हमीरपुर रियासतों के समय से ही हमीरपुर जिला के नादौन कस्बे का अपना इतिहास रहा है और नादौन कस्बे के बीचों बीच सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये गुरुद्वारा उस जगह पर बनाया हुआ है जहां पर गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को हराया था और 500 सिख सैनिकों के साथ जंग जीती थी। सिखों के पवित्र ग्रंथ में मुगलों की लड़ाई का जिक्र किया गया है। आज भी गुरुद्वारा के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के समय का नगाड़ा भी मौजूद है। हमीरपुर रियासतों के समय से ही हमीरपुर जिला के नादौन कस्बे का अपना इतिहास रहा है और नादौन कस्बे के बीचों बीच सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये गुरुद्वारा उस जगह पर बनाया हुआ है जहां पर गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को हराया था और 500 सिख सैनिकों के साथ जंग जीती थी। सिखों के पवित्र ग्रंथ में मुगलों की लड़ाई का जिक्र किया गया है। आज भी गुरुद्वारा के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के समय का नगाड़ा भी मौजूद है, जिसे बजाकर सैकड़ों साल पहले लोगों को युद्ध के प्रति आगाह किया जाता था। नादौन गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी सिमरन सिंह ने बताया कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहां आकर 1747 संवत के युद्ध में अल्प खान को पराजित कर फतेह हासिल की थी और नादौन में गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध के बाद करीब 8 से 10 दिन का विश्राम किया, जहां पर आज भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि इस गुरुद्वारे में जो भी सच्चे मन से अरदास करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं फरवरी माह में फतेह दिवस के दौरान गुरुद्वारे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों संगतें नतमस्तक होती हैं और गुरुघर की खुशियां प्राप्त करती हैं। ये 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाम के नाम रिलेटेड है। इस स्थान की महानता यह है कि भी 10वें पातशाह इतने आए सन, उन्होंने अपने चरण पाए सन 1722 चेत 1747 समत को गुरु साहब जी ने इतने आकर के अल्फ खान के विरुद्ध युद्ध छेड़िया से और युद्ध फतेह किया। राजा भीम चंद ने 22 ताज राजे उन्होंने उन्होंने पासों मदद मंगी सी अल्फ खान के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वास्ते। तो गुरु साहब जी भीम चंद के सुने तो इतने आए, इतने आकर के उन्होंने युद्ध लड़िया अल्फ खान के विरुद्ध और फतेह करके जरा मोर्चा युद्ध फतेह किया। ये लड़ाई दूसरे जंग दौरान जान जाता है नाम यदा। इतने गुरु साहब जी आए, युद्ध फतेह किया। फतेह करने तो बाद गुरु साहब जी इतने 8-9 दिन विश्राम किया। ये इतिहासिक स्थान है, यदि महानता है भी युद्ध इतने फतेह किया। जिहड़ा इतने आ गया अरदास बेनती करता वह सारे काम फतेह होंदे हन। ये गुरु साहब की याद में खुशी के जिहड़ा सालाना समागम है फतेह दिवस, वो असी हर साल फरवरी के महीने मनाते हाँ। तो नानक नाम लेवां संगत होर जिहड़ियां लोकल संगत सहयोग नाल श्रोमणी कमेटी पूरे प्रबंध हेठ बाबा चरण सिंह जी कासिया वाले दे नाल सहयोग करके जिहड़ा ये सालाना समागम हर साल तरह इत्थे मनाया जांदा है। दूरों संगतां इत्थे आंदियां नाल मस्तक हुंदियां हन ते गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करदियां हन। बेहिंग गुरुद्वारे में मौजूद संगत का कहना है कि इस गुरुद्वारे में एक ऐतिहासिक नगाड़ा भी मौजूद है, जिसे रणजीत सिंह द्वारा युद्ध में तैयार रहने के लिए ग्रामीणों को आगाह किया जाता था, सेना के लिए व्यवस्था इत्यादि का प्रबंध किया जाए। इस ऐतिहासिक नगाड़े के माध्यम से किसी भी खतरे की सूचना ग्रामीणों को दी जाती थी। आज भी इस नगाड़े को नादौन के इस गुरुद्वारे में देखा जा सकता है। ऐतिहासिक नगाड़ा जो है हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे की ये भी शान है। ये पुराने समय में जब जो है रणजीत सिंह या लड़ाई के लिए जब जाते थे उसकी सूचना जब गांव को देनी होती थी, सेना आ गई है दूर से प्रबंध किया जाए, तो उस विषय में ये नगाड़ा पहले बजाया जाता था। ये हमारा विजय नगाड़ा के नाम से है। जब जब ये फतेह हुई तो इसकी गूंज भी सारे लोगों को जो है अफजल खान जो थे जिन्होंने लड़ाई मुसलमानों ने लड़ी, तो कुछ जानवर भी रात को अटैक करें तो ये इनका आवाज़ जो है इसकी इतनी ज़ोर से होती थी। इसका ये तो अभी दोबारा पूरा इसका जो है ऊपर का जो है बाद में करवाया गया, इसका पहले ये हो गया था, इसका पुनरुद्धार जो है किया गया है। और ये हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं शहर में खाकसार का नाम मुनिष्ठ नहा है, इस शहर में भी इस गुरुद्वारे परमात्मा के दरबार में जो है आने का सौभाग्य मिलता है परमात्मा। वही इतिहासकार राकेश शर्मा की माने तो नादौन शहर का इतिहास धार्मिक दृष्टि से रोचक रहा है। उन्होंने बताया कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध के दौरान नादौन शहर से धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में सच्चे मन से नतमस्तक होने से भी सभी की मुरादें पूरी होती हैं। ये ऐतिहासिक दृष्टि से नादौन शहर में बहुत ऐतिहासिक हमारा गुरुद्वारा है। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो उसमें दशगुरु परंपरा ने
इस देश के इतिहास को एक नया जीवन, नया मोड़ जो है वो दिया है, जिनमें गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के दसवें गुरु हुए, उन्होंने हमारे देश के इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से, नए परिप्रेक्ष्य में रचा। और उस रचना में ये नादौन शहर का जो गुरुद्वारा है वो एक ऐतिहासिक स्थान रखता है। जब यहाँ पर नादौन शहर में युद्ध हुआ तो उसमें गुरु गोविंद सिंह द्वारा यहाँ पर एक धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। निश्चित तौर पर पूरे इर्द गिर्द के इलाके में यहाँ के लोगों का इस गुरुद्वारे में आना बना रहता है, सभी की मुरादें पूरी होती हैं। किसी को वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।